assalamualaikum students i am your biology teacher and we are going to start chapter number 2 nutrition in animals let's start with the introduction in chapter 1 you have learnt about different modes of nutrition and the process by which plants get their food do you know how animals get their nutrition animal get their food from plants either directly that is by eating plants, or indirectly, that is by eating animals that feed on plants. Some animals eat both plants and animals. Similarly, many of us like either animal food like egg, fish, chicken, etc., or plant food like vegetables, fruit. Vegetables, fruit, etc., or both, but whatever we or the animal eat is either an animal or a plant product. We get milk from cow and goats, eggs and eggs from hen and ducks. Our jam and jelly are made from the fruits, bread is made from wheat, flour that is extracted. From wheat plant vegetable that we eat are also obtained from plants. But what happened to the food you eat? How does it give you the energy for your daily activities? In this chapter, you will find answer to these questions. Okay, now I am going to explain it. As you know that in chapter 1 we have learnt about different modes of nutrition in plants and the processes by which plants get their food. Like plants, animals also need food for living. Do you know how animals get their nutrition? Animals get their food from plants either directly, that is by eating plants, and yani animals of nutrients plants se hasil karte hain directly. एज़ यू नो बहुत सारे जानवर जैसे गाय बकरे वग़ैरह होते हैं घास और चारा वगैरह खाते हैं यानी वो प्लांट ईटर होते हैं इसी तरह कुछ जानवर इनडायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं यानी वो उन जानवरों को खाते हैं जो के प्लांट्स के ऊपर ज़िंदा रहते हैं यानी वो प्लांट्स खाकर ज़िंदा रहते हैं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं जैसा कि हम इंसान भी प्लांट्स और एनिमल दोनों ही को खाते हैं इन शॉर्ट ये कि इंसान और जानवर जो भी खाते हैं वो या तो एनिमल प्रोडक्ट होता है या फिर प्लांट प्रोडक्ट होता है दूध मक्खन अंडे हमें जानवरों से मिलते हैं वी गेट जेम्स एंड जेली फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स बट वट हैपन्स टू द फूड वी ईट एंड हाउ इट डाइजेस्टेड How does it give us energy to continue our daily activities? Okay, student, this is the introduction of this chapter. Now we will continue reading different modes of animal nutrition. You have studied in the previous chapter that the process of obtaining the food from the organisms is called. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे प्रोसेस जिसमें कि फूड हासिल किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन्स कहलाते हैं एनिमल आर हेट्रोट्रॉफिक एंड इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम एनिमल्स जितने भी हैं उनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाई जाती है दे परफॉर्म द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज होलोजोइ न्यूट्रिशन what is आर होलोजोइ न्यूट्रिशन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन ह्यूमन्स एंड अदर कॉमनली फाउंड एनिमल्स ये इस तरह की न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो इंसानों में और इसी तरह के दूसरे एनिमल्स में मौजूद होती है पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स टेक होल सॉलिड फूड और लिक्विड सब्सटेंसेज इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी जानवर और इंसान हैं वो सॉलिड फूड भी लेते हैं और साथ साथ लिक्विड सब्सटेंसेज भी लेते हैं इस टाइप की न्यूट्रिशन में दिस फूड इज़ यूज टू रिलीज़ एनर्जी बाय अ सीरीज ऑफ़ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी ये फूड जो है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के में जिसके बाद वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं हॉलोज एनिमल्स आर हर्बीवोर्स प्लान्ट कार्निवोर्स एनिमल ईटिंग और ओमनीवोर्स ईटिंग बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्लान्टलोजोक एनिमल्स जो हैं वो हर्बिवोर्स भी होते हैं कार्निवोर्स भी होते हैं एंड इट ऑल्सो ओमिवोर्स द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स ड्राइव न्यूट्रिय फ्राम अदर एनिमल्स और प्लान्टस्ट इस टाइप की न्यूट्रिशन में एनिमल्स अपने न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करते हैं कहाँ से दूसरे एनिमल्स से या प्लांट्स से और वो होस्ट कहलाते हैं दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट इज़ कॉल्ड पैरासिटिज्म। ये जो एक रिलेशनशिप बनता है एक पैरासाइट में और होस्ट में उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं मॉस्किटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पैरसाइट द टीड ऑन ह्यूमन ब्लड लाउस इज इन अदर ह्यूमन पैरसाइट इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है वो मॉस्किटो है क्योंकि मॉस्कीटो यानी मच्छर जो है वो इंसान के खून ब्लड ह्यूमन ब्लड के ऊपर वो जिंदा रहता है वो उसका एक तरह से उसका खाना है उसका उससे वो न्यूट्रिशन हासिल करता है ठीक है ना लाउस भी इट्स अ टाइप ऑफ अन अदर पैरासट ओके

ऑर्गेनिक मैटर से यानी ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है दैट मीन्स कि सम न, कुछ न, मतलब वो कभी ना कभी ज़िंदा थे ऑर्गेनिक मैटर्स थे मिलीपीड्स लाइस एंड डंग फ्लाइज एकम्प्लिश देयर न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट बाय दिस मैथड दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेट्री टी वोर्स इनको हम डैट्री टी वोर्स भी कहते हैं The fourth type of nutrition is mutualistic nutrition in this mode of mode of nutrition, two animals live close to each other and they interact in such a manner that either both are benefited or one of them is benefited, but none of them is harmed from this association. is mode of nutrition may टू एनिमल्स यानी दो एनिमल्स आपस में एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं इस तरह इंटरेक्ट होते हैं कि वो या तो दोनों एनिमल्स को उनसे फ़ायदा होता है या एटलीस्ट एक, एक एनिमल को उससे उनके क्लोज़ रहने से फ़ायदा होता है बट वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलस्टिक एसोसिएशन इज द एसोसिएशन बिटवीन रिमोरा एंड शार्क सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है म्यूचुअल एसोसिएशन की वो रिमोरा और शार्क के दरम्यान होती है द रिमोरा इज अ मेरीन फिश दैट इज़ यूजली फाउंड इन वॉमर पार्ट ऑफ द ओशन रिमोरा जो है वो एक मेरीन फिश है और ये ज़्यादातर जो गर्म इलाके हैं ओशन के उसमें पाई जाती है दे क्लिंग ऑन टू द बॉडी सरफेस ऑफ शार्क एंड गेट देअर न्यूट्रिय फ्राम द प्लेस वेयर द शार्क मूवड अराउंड अब वो रिमोरा जो है वह उसके ऊपर क्लिंग यानी उसकी सरफे उसकी बॉडी सरफेस से जो है वो जाकर किसी न किसी तरह अटक जाती है या अपने आप को उसमें फंसा लेती है और जैसे जहाँ जहाँ शार्क मूव करती है वो वहाँ वहाँ उसके साथ मूव करती जाती है और उसके वो जो भी कुछ शार्क जो है वो अपने लिए शिकार करती है खाना खा जो खाती है या किसी भी मछली को पकड़ती है उससे की जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जो है रिमोरा फिश जो है वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती है इस तरह आराम से जो है वो दोनों एक दोनों जो हैं वो चलते रह दोनों चलती रहती हैं रिमोरा फिश जो है वो शार्क के साथ चिपक जाती है और इसमें क्या है कि रिमोरा फिश को सिर्फ फ़ायदा पहुंचता है क्योंकि वो उसका और उसकी एनर्जी भी बचती है क्योंकि वो उसके साथ क्लिंग कर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ मूव करती रहती है सो द स्टूडेंट्स नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू द ऑल फोर टाइप्स ऑफ न्यूट्रीशन मोड्स ऑफ न्यूट्रीशंस होलोजोइक वन इज़ होलोजोइक पैरासिटिक सेप्रोजोइक एंड द लास्ट वन इज़ म्यूचुअलिस्टिक ओके वी विल कंटिन्यू Our next topic holozoic nutrition in animals in my next video. Allah Hafiz.